हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक बार फिर से आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। और आज जो है, मैं आप सभी से बात करना चाहती हूँ कि हर किसी के गार्डन में अक्सर कीड़े मकोड़े का अटैक हो ही जाता है। और ये जो प्लांट देख रहे हैं आप, कनेर का प्लांट है मेरा, और इसमें फ्लावर भी आया हुआ है, और इसमें मिली बग ने भयानक रीति से अटैक करके रखा हुआ है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, ये सफ़ेद कलर के जो कीड़े होते हैं इसमें लगे हुए हैं। और करीब से अगर दिखाऊंगी तो ये देखिए, ये मिली बग है जो मेरे कनेर के प्लांट में अटैक करके रखा हुआ है, ये देखिए। और बहुत ही, जब ये आ जाते हैं हमारे गार्डन में तो ना कि सिर्फ एक प्लांट पर पूरे प्लांट पर अटैक करते हैं, और ख़ासकर कनेर का प्लांट हो गया, और एक आपको और दिखा रही हूँ मैं, गुलहड़ का प्लांट हो गया। जैसे ये देखिए, इसका अटैक मेरे गुलहड़ के प्लांट में भी हो गया है। ये देखिए, ये, और इसके साथ चींटियाँ भी आती हैं क्योंकि ये अंडे देते हैं, तो चींटी इनके अंडों को खाने आती है। ये देखिए, यहाँ पे भी मिली बग ने अटैक किया हुआ है। धीरे धीरे ये क्या करेंगे, मेरे प्लांट को नुकसान पहुँचाएंगे। यहाँ पे देखिए, इसके अंडे देखिए, और यहाँ पे चींटियाँ भी आपको दिख रहे होंगे। तो ऐसा करके ये पूरे गार्डन में, फिर जितने भी प्लांट्स होते हैं सबको ये नुकसान पहुँचाते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, आपका प्लांट ख़राब हो जाता है। और ये देखिए, ये जो मेरा कली आया, बर्ड आया हुआ है, इसको ये खा रहे हैं, और साथ साथ में चींटियाँ भी लगी हुई हैं। तो आपका तो फिर पूरा प्लांट ही मर जाएगा, ख़राब हो जाएगा। ये देखिए चींटियाँ, देखिए बारीक बारीक। तो इससे नजात कैसे पाएं, कैसे जो है इसको अपने गार्डन से हटाएं, इसको आज हम लोग देखेंगे। और अगर इसका जल्दी उपाय ना करें तो ये पूरे गार्डन में फैल जाते हैं, धीरे धीरे करके पूरा प्लांट्स में ये उड़ते हैं और नुकसान पहुंचता है, और फिर उसके बाद आपका प्लांट जो है वो खोना पड़ेगा आपको। और ये कनेर के प्लांट में देखिए, मेरा मिली बग का अटैक हुआ है, और मैंने जानबूझ के इसको छोड़ा था ताकि मैं आप लोगों के साथ में कुछ टिप्स बताऊँ, और इसको मैं यूज़ करूँगी। करके मैंने थोड़ा देखा, देखिए यहाँ पे भी लगे हुए थे, और यहाँ पे मैंने ट्राई किया तो आप देख सकते हैं पत्ती पूरे साफ है। तो थोड़ा सा मैं करके देखी हूँ, मुझे अच्छा रिजल्ट आया है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ, आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, देखिए, ये जो मेरा एक बॉटल मैंने लिया है, अपने हिसाब से आप पानी ले सकते हैं। ये मेरा एक 2 लीटर का ऐसा मैंने प्लास्टिक बॉटल में पानी लिया हुआ है, और एक इनो का जो पैकेट आप देख रहे हैं, हाँ, इनो जो है आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं, ये एक दवाई है, तो मैं दोनों से आपको करके बताऊंगी। आप जो है एक बॉटल में ऐसा अपने हिसाब से पानी लीजिएगा, और एक पैकेट इनो इसमें डाल दीजिएगा। उसके बाद है एक प्रोफेक्स करके, ये जो दिख रहा है आपको, ये मैंने अपने सब्जी के बाज़ार से ही इसको लिया हुआ था, और ये भी कीड़े मारने का ही एक दवा है। तो इसको भी मैं यूज़ मैंने किया पिछले समय, तो अच्छा रिज़ल्ट आया। कोई भी कीड़ा, चाहे इल्ली हो, चाहे आपका कीड़ा मकोड़े हो, या फिर मकड़ियाँ हो, चींटी हो, या फिर मिली बग भी क्यों ना हो, आप सब में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो प्रोफेक्स सुपर करके ये जो है एक काफ़ी ज़्यादा डेंजरस दवाई है, इसको जब भी यूज़ करें ऐसे टाइप का, आप हाथ साबुन से धोएं और 2-3 बार वॉश करें, क्योंकि ये अगर हमारे पेट में चले जाएगा तो नुकसान होगा। तो ये एक दवा है जो काफ़ी इफ़ेक्टिव है, और एक इनो है। तो आइए हम लोग इसको यूज़ करते हैं और देखते हैं मिली बग छोड़ता है कि नहीं पत्तियों को। तो आप देख सकते हैं, मैं पानी मैंने 2 लीटर टाइप का लिया था, लेकिन मैं अभी खाली करके
यहाँ हाफ तक कर दी हूँ, हाफ से भी कम कर दी हूँ, तकरीबन एक एक डेढ़ गिलास तक मैंने यहाँ पे पानी, जैसे हम इनो पीते हैं सेम वैसे ही हमको पानी ले लेना है। और ये इनो को मैं इसमें डाल दूंगी, ये देखिए, ये देखिए, और इसको फिर हम लोग मिला लेंगे और उसके बाद हम मिली बग में डालेंगे। बग है ये देखिए, इसको दिखा। तो ऐसे इसमें आप छिड़काव करेंगे इनो लगा के, ये देखिए, ऐसा करके आपको इसमें डालना है, इसलिए कर रही हूँ। ये देखिए, ऐसा करने से क्या होगा, मिली बग सब झड़ जाएंगे और कुछ समय के बाद नीचे गिरने लगेंगे। देखिए नीचे गिर रहे भी हैं, नीचे दिखाओ, वो देखिए वाइट वाइट, मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए, ये ऐसे गिरना चालू हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं, थोड़े ही ज़्यादा टाइम नहीं लगाया, आपके सामने ही मैंने किया और इसका रिजल्ट अभी आपने देखा, तुरंत झड़ने लग जाते हैं। और यहाँ पे भी गुल्हड़ का जो मेरा प्लांट है उसमें भी मैं आप इसको डाल दूँगी, ये जैसे यहाँ पे मिली बग, ये देखिए इसमें भी मैं डाल रही हूँ, देखते रहिए ना, जो है ऐसा करेंगे तो ये देखिए ऐसे आपको स्प्रे डालना है, प्लांट को पूरा नहला ही दें तो ज़्यादा ऐसे कोई भी नुकसान नहीं होगा। ये देखिए ये अंडे हैं, इसमें मैंने डाल दी इनो का पानी, ये ऐसा करना ज़रूरी है, थोड़ी देरी के बाद आप देखेंगे सारे मिली बग गल जाएंगे, वो गल जाते हैं, उनकी परत जो होती है स्किन बहुत पतली होती है और उससे ये लोग जल्दी मर जाते हैं, अगर आप सही समय में इसका इलाज करें तो, वरना लेट करेंगे तो आपका प्लांट को ये पूरा ख़राब कर डालेंगे और आपके गार्डन में ये फैल जाएंगे, बहुत दिक्कत होगा, सारे प्लांट्स के ऊपर में ये अटैक कर देते हैं और जल्दी जल्दी ये फैलते हैं, नुकसान नहीं होगा और आपके प्लांट्स भी सुंदर लगेंगे, खिलेंगे, नहीं तो इनके पत्तियाँ भी मुड़ मुड़ जाते हैं और दिखने में बिल्कुल ख़राब सा लगता है, अच्छा नहीं लगता है। तो फ्रेंड्स अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे और देखेंगे, मैंने एक लीटर पानी ले लिया है यहाँ तक, ये दो लीटर का बॉटल है मेरा, तो मैंने एक लीटर यहाँ पानी लिया है, अपने सहूलियत के हिसाब से, अपने ज़रूरत के हिसाब से आपको लेना है। और फिर अब ये मेरा सेकंड जो मेरा केमिकल वाला जो ट्रीटमेंट मैं दे रही हूँ उसको मैं आधा ढक्कन बस लूँगी, ज़्यादा नहीं, बहुत तेज है ये, इसके स्मेल भी बहुत तीखा है। तो ये देखिए मैंने आधा ढक्कन लिया और इसको इसमें डाल देंगे, देखिए कितना बॉटल, देखिए आप पानी कैसे चेंज हो गया, वाइट कलर का हो गया इसका पूरा। तो इसको अब जो है बच्चों से इसको दूर रखेंगे। तो फ्रेंड्स अब हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए मैं घोल ली हूँ और अब हम नेक्स्ट वाला जो टहनी है इसमें मैं डालूंगी, ये देखिए, देखिए कितना, इसको डालने का देरी नहीं है, झड़ना चालू हो गया, कितना पावरफुल है, देख रहे हैं आप, ये देखिए। इस तरीके से आप स्प्रे करेंगे और अपने प्लांट को बचाएंगे, वरना क्या होगा, आपका प्लांट मर जाएगा। मिली बग अच्छा नहीं है, मिली बग जो कीड़ा है वो बहुत चिपचिपा सा, गंदा सा, और इन लोग एक तरल पदार्थ छोड़ते हैं जो बहुत चिपचिप चिपचिप होता है और उनके गंध से अक्सर जो है चींटियां आ जाते हैं और
उनके अंडे खाते हैं, और चींटी भी होगी, नीली बग जहाँ है वहाँ चींटी जरूर होगी। तो ये देखिए मेरा, मैंने ये दवाई डाल दिया है और ये झड़ गए हैं अधिकतर, वो बचे कुचे होंगे। तो ये मैंने मिली बग का ट्रीटमेंट आपको बताया, अब इसमें मिली बग नहीं आएगा क्योंकि इसका जो गंध है बहुत तीखा गंध है। तो इनो से भी प्रभाव देखिए, ये सेकंड, वो सेकंड वाला में मैंने ये जो प्रोफेक्स का जो केमिकल लगाया और ये इनो का था, तो इनो में भी झड़ा है, पर अभी फिर से मैं इसको डाल दूंगी। ये देखिए दोनों इफेक्टिव है अपने अपने जगह, इनो थोड़ा सा धीरे वर्क करता है, ये जल्दी वर्क करता है। तो आप अपने हिसाब से जैसा आपको अच्छा लगे डाल सकते हैं। अब जो है मिली बग नहीं आएगा, तो मुझे काटने का झंझट नहीं पड़ा। देखिए तो ऐसे करके आप अपने प्लांट को फ्रेंड्स बचा सकते हैं। थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा क्योंकि प्लांट सबको प्यारे होते हैं। इसको भी मैंने नर्सरी से खरीद के लाई थी, और इसके जो कलर हैं देखिए, पिंक कलर का मेरा ये कनेर का फ्लावर है, बहुत सुंदर प्लांट है। इसका बीच में ग्रोथ रुक गया था इसी के कारण से, लेकिन बीच में मैंने दवा दिया तो देखिए यहाँ पे भी खिला हुआ है, लेकिन मिली बग ने बहुत बुरी रीति से अटैक किया है देखिए। तो सब में मैं इसको छींटा लगाऊंगी, स्प्रे करूंगी, और फिर दोबारा मेरे प्लांट्स में ये नहीं आएंगे। ये इनका आखिरी था, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाऊं और आप लोगों के साथ में शेयर करूं, और आशा करती हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। क्योंकि ये मिली बग का ही मैंने इसी के नाम से ही छोड़ा था कि आप लोगों के साथ में मैं शेयर करूँ। तो देखिए जैसे मैं डाल रही हूँ, धुलते जा रहे हैं, ये देखिए और नीचे थोड़ा सा दिखाइए, ये देखिए पूरा मिली बग, अगर आप देखेंगे तो आपको दिख रहा है कि नहीं पता नहीं, पर ये देखिए झड़े हुए हैं वाइट वाइट से, अगर आपको दिख रहे होंगे तो ये लोग झड़ गए हैं, ये देखिए। तो फ्रेंड्स ऐसा करके आप अपने प्लांट्स को बचा सकते हैं, और उपचार तो करना पड़ेगा, अगर रोग लगा है तो उपचार जरूरी है। और इस तरीके से मैंने अपने कनेर के प्लांट को, गुल्लड़ के प्लांट को मरने से बचा लिया। सो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आशा करती हूँ। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ओके फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने प्लांट का देखभाल करें, और यदि ऐसा है तो तुरंत इसका इलाज करें। ओके, बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।